अनंत चतुष्टय से सुशोभित जिनेन्द्र प्रभु के स्वरूप अवलोकन दर्शन करने वाले भव्यों को प्रभु भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। चलो भक्ति की जलधारा में स्नान कर कर्म मल का प्रक्षालन करें। अनंत जय जय जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतरदृष्टि तुम सम होवे, अंतरदृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वह वर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। विशद स्वच्छ दुति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। विशद स्वच्छ दुति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, त्रिभुवन स्वामी प्रवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। प्रभाव से तज विभाव वे तेरे ही सम हो जाते। मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिन कर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर।
एक आपने प्रभुवर मार्ग मुक्ति का दिखलाया, औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। अशरण लागा सारा जग अब, अशरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, का रोना गा कर मैंने काल अनंत गवाया। निज वैभव पर दृष्टि न डाली, नश्वर वैभव पर ललचाया। मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर, पाए मुक्ति घर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, सम होवे दो मुझको बहवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। सभी सादर में बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय सेमस्तपा दानं चेति गृहस्थानां सत्कर्माणि धीरे धीरे। पूज्य गुरुदेव श्री यह बात कहते थे कि जिसे प्रातः काल उठते ही अखबार पेपर परिवार परिजन यह सब याद आते हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु का स्मरण नहीं होता है तो निश्चित से विचारना चाहिए कि उसकी परिणति किस दिशा में जा रही है। हम सभी निश्चित ही इस मोक्ष मार्ग के अनुगामी और भव्य जीव है, इसलिए यह परिणति और यह परिणाम सहज ही प्रकट होता है कि हमारा जीवन का जो मनुष्य पर्याय मिली है देवशास्त्र गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ के ही सार्थक होगी। इस दृष्टि से प्रातः काल होते ही सर्वप्रथम श्री जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पूजा ये हमारा नैष्ठिक कर्तव्य है। आइए इसके अंतर्गत ही हम सभी इस चैत्र माह के जो दशलक्षण पर्व आ रहे हैं उसकी पूर्व विला में आज से पुनः इस पूजन क्रम में जुड़ रहे हैं और विशेष रविवार और शनिवार को तीर्थ वंदना के कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं विनय पाठ के माध्यम से आज की पूजन। जय बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। रंग मारे प्रभु धारा ही रंग मार रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु धारा ही रंग मार रंग गयो रे।
आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माथा रे हूँ नाच रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंग गयो रे, भक्ति माथा रे हूँ नाच रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंग गयो रे, सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता गुण हुए सबका, दूर निवार सब पर मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तू मेरा नाम, सुंदर कर मौका हुआ शांत हुए ग्रह द्वार, हुआ सुखी संपन्न मैं नहीं आए ममता, अनुभव कारण में ठाक का शक ज्ञान शोभा, मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान, दर्शन से भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष, प्रभु ताई प्रभु सुख तू शरण रहा ना खोजता इस संसार मझा, स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिधान, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम, मैं बंदों जिन राज को धरे उर समता भाव, तन धन जन जग यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माँ, किंचित उपजेना हो आत्म आत्म सुहाय रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंग गयो रे, आत्म आत्म सुहाय रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंग गयो रे, रंग मारी प्रभु थारा ही रंग मारंग गयो रे। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए पूजा पीटी का भाषा पाठ के माध्यम से हम सभी यहाँ पर इत्रागी परमात्माओं का मंगल स्मरण प्रारंभ कर रहे हैं। जयोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अरहंत सेत सूरी नामा उवचाय साधु गुण धामा, परमेष्ठी पद सुखकारी पूजन कर हो सुखकारी, ओम रिमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपाय। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आपते अरसे तो साधु दया मैं धर्म, अन्य में ढूंढे ना सुख दुख कार्य है ते स्वयं सुख रहित सुख नाम का वरम, एक
प्रभु आपको लगे निश्चय हुआ, चरण अपनी से कटते स्वयं सब करम बार दृष्टि करूं अपनी जातम भजूं दीन निज में हुए से मिले पद करम दीन निज में हुए से मिले पद करम ओम नमो हृदय स्वापर पुष्पांजलिम शिवे मंगल विधान भाषा हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र पावन है फिर से ही पर में भक्त रही कुछ कारी तब आराधन है प्रभु शांति का सागर दृष्टि फिर मुद्रा हमें बताती है शांति शुचिता अंतर में है बाहर आती है रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगल में आगादि विकारी भाव भक्ति परिणति भी होवे मंगलमय तुम नाम मंत्र है मंगलमय के कर्म मुक्त तुम मंगलमय सम्यक आदि गुण युक्त नमन करो हे मंगलमय सभी तत् क्षण विनष्ट इस वर्ण के तुम समन जरो जाति भूत पिशाच नाग सभी दूर हो शिव को जाति भूत पिशाच नाग सभी दूर हो शिव को यदि पुष्पांजलिम क्षपे और आइए इस तिजारा जी जो राजस्थान का एक सुंदर जनाला है पुराना तिजारा करके क्षेत्र चंद्रगिरी नाम से नवीन अभी विकसित हुआ वहां पर जिन मंदिर के अभी हमने प्रारंभ में दर्शन किए थे आइए उन्हीं भगवंतों का मंगल स्मरण कर जिन सहस्त्र नाम अर्घ समर्पित करते हैं गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य कहां संत नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहां संत नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहां ओम रिम से भगवत जन श्रेष्ठ अष्टादिक सहस्रनाम अर्घम निर्वपामिति स्वाहा पूजा प्रतिज्ञा पाठ जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है शादवाद नायक सानंत चार जो है सलवंत नाम की पूजा विधि करूंगा जो भव्य प्राणियों को मैं पुण्य बंद देखूं आत्मरूप महिमा जिन्हें प्रकट दिखाई ऐसे त्रिलोक गुरुवर पुंगव स्वस्तिदायक पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव हे प्रेरणा सतत लिए मुक्ति दे मुझको सुनिश्च भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना अरे आय श्रोति हेतु अविलंब मैंने लीना युक्तियों से अब तो दाता की कर्म नाश पूजा के यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा भक्त पुराण पुरुषो तुम ही गुरु कंकर सब वस्तु करूंगा मुझ पूर्ण ज्ञान हेतु नित पुण्य पाप तारा परिणति हुई विकारी मैं पाप को बजा है अब पुण्य भी करूंगा मैं पाप धर्म पाया अब तुम भी धर्म पाओ ज्ञान मैंने आत्म अब तुम भी जान जाओ ज्ञान मैंने आत्म अब तुम भी जान जाओ पुष्पांजलिम छिपे और आइए हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर सुस्ते मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ होता है श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक श्री पद्म प्रभु श्री सुपाशित प्रभ कायक श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांश श्री वासु पूज्य विमल प्रभु श्री अनंत शांत
मिनाकने में अर पाश प्रभु श्री वर्धमान जिन सुख वरदत निज पद विवेक समझण वैभव तज करी सम्यक्तिरीक्षा मुक्त बने निज का पुरुषार्थ मूल कारण देवी व्यवहार सहायक है जिन वाणी अभ्यास सदा तत्त्वों का सम्यक निर्णय हो द्रव्यानुयोग चरणानुयोग से सत्श्रद्धा चारित्र धरे प्रथमानुयोग करणानुयोग ज्ञान व्रति सच करे वो बुद्धि रे दिया प्रकट जिने पर लक्ष्य नहीं उन पर जिने का कप घोर करी आकाश चले है पार नहीं जिने के बल का मन वांछित रूप बना सकते वारी हलका लंबा छोटा जो सर्वाषधियों की निधि है रीति आती है ना टोटा पर नहीं प्रयोग करे उनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु उन सम जड़ वैभव दुख राम तब हो सम जड़ वैभव दुख राम तब हो तू पुष्पांजलि छपे जोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो जोले अंतरंग सत परमेष्टि भगवंतों की जय हो। और आइए आज हम सभी प्रारंभिक पूजन के साथ में हम सभी की बहुत ही प्रिय पूजन और अध्यात्म और आगम शैली का सुमेल करने वाली ऐसे जीत मित्रा की भगवंतों का व्यवहार गुण चिंतन करते हुए निश्चय आत्म स्वरूप का परिचय कराने वाली ऐसे आदरणीय बाबू युगल जी साहब कृत देव शास्त्र गुरु पूजन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के और हम सभी यह पूजन यहाँ पर स्थापना हेतु खड़े हो जावे। जबले मित्रागी भगवंतों की जय हो। जपी माला जिन वर नाम की 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 भजन सुधारस सो नहीं निकले भजन सुधारस सो रसना किस काम की हो सो रसना किस काम की जपी माला जिन वर नाम की जपी माला जिन वर नाम की केवल रवि किरणों से जिसका पूर्ण प्रकाशित है अंतर उस श्री दिन वाणी में होता तो का सुंदर दम दर्शन सत दर्शन बोध चरण पद पर नल जो बढ़ते हैं मुनि कर्ण उन देव परम आगम गुरु को शत वंदन शत शत वंदन भजन सुधारस सो नहीं होवे भजन सुधारस
सभी दर्शन करते हुए 24 तीर्थंकर भगवंतों के अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समो अत्र अवतरोत समो षट्धावनम्। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समो अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समो अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्निधिगणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपे। जी सभी अपने स्थान पर बैठे, आइए हम सभी प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर देवशास्त्र गुरु भगवंतों के अर्घ, ये एक एक अर्घ मानो हम सभी को अपने स्वरूप का निकटवर्ती करते हुए मिथ्यात्व मोह अंधकार से व्याप्त जीवों को जो अनादि का दुख है उस दुख से पार करने का प्रयास यहाँ से नष्टकों के माध्यम से है। हाँ जी प्रारंभ करते हैं। आवाज आपको थोड़ी कम पहुंच रही थी, अब शायद क्लियर पहुंचेगी। हाँ, वो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डाउन हो जाता है कई बार। प्रारंभ करते हैं देवशास्त्र गुरु भगवंतों के पूजन के अष्टक। शुद्धात्मा का शुद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का शुद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा। निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का शरदान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का शरदान जैसा कुछ जड़ की कीड़ा है मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं की वैभव को परमात्मा में अटकाया। अब निर्मल सत्यक नीर लिए मिथ्या मल होने आया। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ जंजरवत विनाशन जलम निरुपामति स्वाहा। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की बस्ती है। अनुकूल संयोगों में क्रोध तनु कर संसार बढ़ाया। मन सब पहले प्रभु जिस मन समझी चलता माने आया है। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो संसाता विनाशनाय चंदन निरुपामति स्वाहा। उज्जल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी। फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही। उजड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मानव की खंडित काया। निज शाश्वत लक्ष्य अब दास चरण रज में आया। ओम श्री शत्रु अक्षपत प्राप्त इष्टम निरुपांति स्वाहा। यह पुष्प सुकोमल कितना है तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु वेद कहूं उस मेरी जुता का देश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ वृद्धि कुछ की कुछ होती है। दिल स्थिर का निज में प्रभु का जो अंतर कालुष धोती है। पुष्पम निरुपामति स्वाहा। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। कृष्णा की काई खूब भरी हर रीत रही वह रीत रही। युग युग से इच्छा सागर से प्रभु को देखाता आया हूँ। चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो
नाशनाय निवेद्यं निरुपामिति स्वाहा। मेरे चैतन्य सदन में ब्रह्म चिर व्याप्त मयं पर अंधियारा। श्रुति दीप बुझावे करुणा निधि प्रीति रहि कष्टों की कामना। सदैव प्रभु ये ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूँ। शत्रुभ्यो अष्टकम् देनाय धूपम् निरुपामिति स्वाहा। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मेरा भ्रांति रही मेरी। रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। धूपम निरुपामिति स्वाहा। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता क्या कुल का फल व्याकुल का है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ मुक्ति रमा सहचर मेरी। जब मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। ओम रिम सिद्धे सद्गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामिति स्वाहा। क्षण भर निज रस को पीछे मल को धो देता है। कासाइक भाव विनाश किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता गुणकार बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदस्य प्रभु हर अंत अवस्था पाऊंगा। और निश्चित तेरे सदस्य प्रभु हर अंत अवस्था पाऊंगा। ओम रिम सिदे शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हम सबके हृदय में और कंठ में यह पूजन इस तरह से बैठ चुकी है कि जब भी देवशास्त्र गुरु भगवंतों के गुणस्तोन की बात आती है तो सर्वप्रथम जो पूजन आती है जैसे इसके पहले कोई पूजन थी ही नहीं और इसके बाद भी कोई पूजन ना हो ऐसा लगता है। निश्चित ही बहुत ही अलौकिक अद्भुत शैली और अध्यात्म तत्व का निवेश इसमें यहाँ पर हम देख पाते हैं जो कि बाबू युगल जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। एक कोई सी भी पंक्ति पर विचार किया जावे तो निश्चित ही बड़े अलौकिक भाव इसमें देखने को मिलते हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। मानो ये दो पंक्तियों के द्वारा पूरी विश्व व्यवस्था की स्वतंत्रता और प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन यह उद्घोष इस पंक्तियों के माध्यम से कर दिया। भगवंतों के समक्ष इस वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत का उद्घोषण करके क्या अंतर में परिणाम होगा कि निश्चित हे प्रभु यह उद्घोषणा मैं कैसे कर सकता हूँ। आपने वस्तु तत्व को यथार्थ जाना छह द्रव्यों का सम्यक स्वरूप जाना और फिर जो आपके ज्ञान में झलका वह बात यहाँ पर कही गई है कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है।
हे प्रभु ये दोनों कार्य अपने अपने में हो रहे हैं, जड़ का जड़ में, चेतन का चेतन में, इस पूजन के काल में भी जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है और चेतन की क्रिया चेतन में हो रही है। ऐसा भेद ज्ञान करने वाले जीव वास्तव में शीतलता का अनुभव करते हैं और वह शीतलता स्वभाव से ही प्रकट होती है। ऐसे सुंदर पंक्तियों के द्वारा आगे बढ़ा और बहुत ही सुंदर बात आगे आती है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। क्यों साहब, सुबह अभी हमने स्वल्पाहार हो गया कि नहीं, स्वल्पाहार होकर के बैठने के लिए कि जिनके दर्शन आदि हो गए होंगे उनका स्वल्पाहार हो गया, और जिनके नहीं हुए हैं तो अभी नहीं हुआ। विचार करना, जिसकी बात की जा रही है, जिससे पूछा जा रहा है, वह आहारक यानी आहार लेने वाला है कि अनाहारक स्वभाव वाला है। अभी मैंने स्वल्पाहार लिया, फिर मैं आहार लूंगा, आहार शब्द है ना, भोजन करूंगा, फिर उसके बाद दोपहर में फिर कुछ लूंगा, फिर शाम को लूंगा, तो कौन ले रहा है, कौन ले रहा है और कितना ले रहा है, और लेने पर भी तृप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख ना मेरी शांत। लेकिन यहाँ पे भूख का मतलब सिर्फ कोई भोजन अकेला नहीं है ना, अगणित जड़ द्रव्य मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों की जो आसक्ति जीव की पड़ी हुई है, प्रति समय इसका संग्रहण, इसकी सुरक्षा, इसकी व्यवस्था, इसका विकल्प, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब के प्राप्त होने से क्या मैं सुखी हो पाया, ऐसा चिंतन यहाँ पर किया जा रहा है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितना ही डाल दिया लेकिन जैसे अग्नि में कितनी ही चीजें डालो वो भस्म हो जाती हैं, ऐसे ही हे प्रभु इन इच्छाओं की अग्नि में मैंने कितना ही डाला लेकिन वह कभी पूर्ति नहीं हुई। अरे हम तो वो हैं जो बाह्य वैभव की तरफ से भी देखें तो अखंड ज्ञायक छह खंड के राज्य को भी प्राप्त किया, इंद्रादि के पद को प्राप्त किया, ऐसा वैभव प्राप्त किया जिसकी कल्पना मनुष्य लोक के जीव कर नहीं सकते हैं, लेकिन वह सब का सब उस वैभव का रस इस इच्छा की अग्नि में भस्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। आगे आती है, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अधिकार। पहले बाबूजी ने इसमें प्रारंभिक पंक्ति अलग लिखी थी, है ना, जंजा के एक झकोरे में जो बढ़ता घोर तिमिर कारा, फिर उसमें थोड़ा उन्होंने स्वयं विचार करके और ये पंक्ति बदली, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। अंधेरा बाहर है ऐसा नहीं, अंधेरा अंदर ही है, और अंदर इसलिए क्योंकि अपना ही दीप बुझा हुआ। कौन सा दीप, शुद्ध दीप बुझा है, करुणा निधि बीती नहीं कष्टों की कार। दीप बुझा है पर दीप है, क्या कह रहे हैं, बुझा है दीप है, दीप जलेगा तो निश्चित प्रकाश होने वाला है, और वह दीप कौन सा है, श्रुत का दीप। श्रुत मतलब वह ज्ञान दीप जब प्रकाशित होता है तो निश्चित ही स्व पर का भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसे हे प्रभु मैं आपके सामने नस्वर दीप लेके क्या आऊं जो कि एक झंझा के झकोरे में बुझ जाने वाला है, अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया। जैसे ध्यानत राय जी ने अपने पूजन लिखे ना, हे प्रभु मैं अपनी भूमि आपको समर्पित करता हूँ, आप इसको शिव के यानी मोक्ष बना दीजिए, ऐसे यहाँ कह रहे हैं हे प्रभु मैं ये अपनी प्राप्त वर्तमान ज्ञान का पर्याय जो है इसको आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ। किसके समक्ष, केवल ज्ञानी वीतरागी परमात्मा के समक्ष समर्पित कर रहा हूँ। तो यह ज्ञान उस ज्ञान से जुड़कर और जब स्वरूप सन्मुखता को प्राप्त होगा, सर्व कर्मों से रहित होगा, तो यह भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से अंतिम अंतिम तरफ हम बढ़ते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। कब से नहीं पिया है, अपने आत्मा का आनंद अमृत रसपान कब से नहीं किया, कि अनादि काल बीत गए अभी तक कभी पिया ही नहीं। पिया इसलिए नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं है, रस के नाम पर गर्मी के दिन में रस के नाम पर सब वह रस दिखते हैं जो थोड़ी देर में बेरस हो जाते हैं या चलित रस हो जाते हैं। है? कौन कौन से रस है, क्यों साहब, गर्मी बहुत लगे तो कौन सा रस लेना, ये बोले वो गन्ने का रस है, तो आम का रस है, तो ये मौसम्बी का रस है, मतलब रस के नाम पर वह रस दिखते हैं जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, और जो अल्प काल में कहना चाहिए अपने स्वरूप से विकृत हो जाने वाले हैं। हे प्रभु क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता।
इसमें वास्तव में देखा जाए ऐसा है जैसे अर्थ ही चल रहा हो, यहाँ पे कहीं पर ऐसा लगता ही नहीं है कि इसमें कोई बात कहने की अब कुछ बची हो। इतने अच्छे सरल भाषा और अब इतनी हृदयंगम हो चुकी है कि वो बोलते समय में ही ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बोलने वाला हूँ, मैं गुणानुवाद करने वाला हूँ, मैं जिनके गुणानुवाद कर रहा हूँ मैं उस रूप ही हो गया हूँ। ऐसी भावनाएं इस पूजन के माध्यम से यहाँ सार्थक होती हुई दिखती हैं। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। कौन सा अर्घ समर्पित कर रहा हूँ? ये अष्ट द्रव्य के अर्घ के अवलंबन की अकेली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो आज देखो हम भाव पूजन कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, तो फिर तो यह पंक्ति अधूरी प्रतीत होगी। यह अर्घ समर्पण कौन सा अर्घ? अरे अपनी उपादान स्वसामर्थ को लिख कर और जो भी त्रागी के प्रति समर्पित हुआ है उस अर्घ की बात कह रहे हैं। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। आइए हम सभी प्रारंभ करेंगे बहुत ही सुंदर जयमाला। उसके पूर्व में देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए दो पंक्तियां भक्ति की लेते हैं और फिर उसके उपरांत यहाँ पर शांत रस के साथ में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें प्रयोग की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्णता को लिए हुए। जैसे मैंने प्रारंभ में जब भक्ति ली वह भक्ति के साथ मुझे उसका रस परिपाक ही नहीं हो रहा था इस पूजन का, तो वास्तव में देखा जाए बाबू जी की पूरी पूजन जो है ना एक ही शांत रस में चलने वाली है, बिल्कुल मंदा क्रांता जैसी है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, लेकिन धीरे धीरे भी प्रभावित हो रही है पर शुष्क नहीं हो रही, सूख नहीं रही। ऐसी यह धारा आगे की ओर बढ़ेगी जिसमें वैराग्य भावनाओं की चर्चा के साथ देवशास्त्र गुरु भगवंतों का स्वरूप आएगा। मत पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मत पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, वो सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे तारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे तारे, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, 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 यह उपकार तुम्हारा राम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा रोम राम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, मेरे हमकों को जाना आत्म को पहचाना, अरे हमकों को जाना आत्म को पहचाना, और गुण पर आयो से जिन सब निज को माना, और गुण पर आयो से जिन सब निज को माना, वो वेद ज्ञान ही महामंत्र है, 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 मोहित मेरे जयकारा रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। और आइए हम सभी अब जयमाला पाठ प्रारंभ करते हैं। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझे दोनों मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, जीवन यौवन आसिर है, चढ़ भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस छड़ पोटाल सकेगा क्या, शरण व्रत काया में हर्ष निज जीवन डाल सक
मुझको न मिला सुख चढ़ कर भी कंचन का मिली साधो में सब ही आते तन धन को साथी समझा पर ये भी छोड़ चले जाते मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ निज में कर से अन्याय करिए निज समरस पीने जिसके संगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता पारस वाणी और काया से आशव का द्वार खुला रहता शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल शीतल समय कित चिरणे फूटे कंबल से जागे अंतर बल फिर तप की शोधक वही जगे सर्वों की कड़ियां टूट पड़े सर्वाक्त निजात प्रदेशों से अमृत के गिर जर फूट पड़े हम छोड़ चले लोग तभी लोकांत विराजे चढ़ में जा लोग हमारा पाता शोकांत जने फिर हम तो क्या जागे मम दुर्लभ भोजि प्रभो कर ढल जावे बस क्या का दृष्टा कर मोह में नश जावे चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी जग में हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी जग में हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी इस तरह यहाँ पर अभी जयमाला पाठ के साथ में 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ किया गया। निश्चित ही जब 12 भावनाएं प्रारंभ होती हैं, तो मुझे वह क्षण ध्यान में आता है जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में रिक्षा कल्याणक का प्रसंग होता है और प्रभु संसार शरीर भोग से विरक्ति लेकर जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब ये 12 भावनाएं चिंतन प्रारंभ होती है। मैं पहले जब 55 में पंचकल्याणकों में गया और प्रथम बार ये जब हम 12 भावना सुनते थे तो ऐसा लगता था ये जो 12 भावना है ना ये जब तीर्थंकरों को दीक्षा हुई होगी तब से लिख गई होगी तो उस समय की होगी 12 भावना तब तो ये पंचकल्याणकों में पढ़ी जाती है जबकि ये तो आदरणीय बाबू युगल जी साहब ने अभी लिखी है लेकिन ऐसी उसके भाव इस तरह के है मानो ये वैराग्य उपावन माहि चिंते अनुप्रेक्षा भाई ऐसा ही कुछ परिणाम ऐसे ही कुछ भावनाएं उन जीवों के अंदर उमड़ती होंगी जो संसार से विरक्ति लेने का परिणाम सजाते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से यह पूरी 12 भावना का पाठ हम सभी ने अभी यहाँ पर किया है। मैं आपसे यदि पूछना चाहूँ कि आपको इसमें से कौन सी पंक्ति है जो सबसे ज्यादा प्रिय है तो आप स्वयं असमंजस में होंगे कि कौन सी हम प्रिय कहें और किसको थोड़ा सा कम रैंक पे रखें ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन निश्चित ही इसमें एक पंक्ति है जो मैं लगभग मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में स्टेटस पे लिख रखी रहती है चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी जग में न हमारा कोई था
हम भी न रहे जग के साथी। तो वास्तव में यह धर्म जो हमें मिला है देवशास्त्र गुरु का निर्दोष धर्म, यही हमारा रक्षक है। देखो ऐसा होता है जगत में, हम जिसे शरण मानते हैं जब वह छूट जाता है, उसका विरह हो जाता है, तो जगत हमको अशरण दिखने लगता है। कब लगता है? जिसे शरण माना था वो हट गया तो फिर जगत अशरण लगेगा, और फिर दृष्टि परिवर्तित होगी तो फिर शरण लगने लगता है। वास्तव में हमने सच्ची शरण पे दृष्टि खींच नहीं है। जिस समय हम किसी को शरण मान रहे हैं उस समय भी यह जो जगत है वह अशरण ही है। और यदि हमें शरण देखना ही है तो सिर्फ दो ही शरण है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना हो। आइए हम सभी यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदर यह पंक्तियां चल रही हैं, अंतर बल को दृढ़ करने वाली ये सारी चर्चाएं हैं। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, सोकांत बने फिर हमको क्या। यह अंतर बल होगा जिसने समाधि पूर्वक देह त्याग का परिणाम सजाया होगा, ये बात उसके दिल से ही अंदर से ही निकलने वाली है, हम छोड़ चले यह लोक। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो बाबू युगल जी साहब से निकटवर्ती परिचित हैं तो वह तो जानते ही होंगे, उन्हें बहुत दीर्घ काल तक माइग्रेन की समस्या थी, और माइग्रेन की समस्या जिसको होती है वह जानता है कि वह माइग्रेन का दर्द जब चालू होता है एक बार तो किसी किसी को दो दो तीन तीन दिन तक वो आराम नहीं देता और कुछ सुहाता नहीं है। यह बात मैं अपने स्वानुभव से कह रहा हूँ, मतलब मुझे अनुभव में है क्योंकि मैं भी माइग्रेन का रोगी रहा हूँ, अभी नहीं है अभी वर्तमान तकलीफ, लेकिन रहा हूं। तो जब माइग्रेन का दर्द उठता है ना तो आप कोई लाइट भी चालू करे तो आपको नहीं सुनाती, प्रकाश आ जाए आंखों के ऊपर या पंखे की कोई आई कह दे कि चलो इनको गर्मी लग रही होगी तो पंखा चालू कर दे, वो नहीं सुहाता, कुछ समझ में नहीं आता। दीर्घ काल तक शरीर में वो व्याधि रही और लगभग बहुत लंबे समय यानी बाबू युगल जी साहब को ये समस्या वर्षों तक रही, सैकड़ों वर्ष, मुझे तो पूरा नहीं मालूम पर मैंने सुना था कि उनको ये समस्या थी। लेकिन उसके बाद भी उनकी चिंतन की जो धारा रहती थी ये निश्चित ही वह बहुत बड़ी गजब की है। यह जो चिंतन निकला है यह चिंतन उनका तत्व के प्रति जो दृढ़ श्रद्धा और समता के साथ आराधना, इसका लक्षण है। और यह तो बड़ी अल्प व्यय में, जैसे हमारे सोगानी जी साहब ने बताया थी, युवावस्था में लिखी थी ये पूजन उन्होंने, यानी आज तो हम अधेड़ उम्र में उसको पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो बहुत प्रारंभिक समय में जब युवा अवस्था थी, शायद 24-25 ऐसा कुछ वर्ष आपने बताया था, इस उम्र में उन्होंने यह पूजन देवशास्त्र गुरु भगवंतों की पूजन लिखी, बहुत ही सुंदर जयमाला पाठ अभी हम कर रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं सच्चे देव का स्वरूप चिंतन करने के लिए। सच्चे देव कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, देव शास्त्र और गुरु जो कि सम्यक दर्शन के निमित्त कारण है, उनका स्वरूप चिंतन अब जयमाला में यहाँ प्रारंभ होता है। चिन्हों में आया हूँ प्रभु वर्षी, फलता मुझको मिल जावे, मुरझाई जान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे, इच्छा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता मेरे चिन्हानों का हक में ही डाला, चरणों की पूजा से इंद्री सुख को ही अभिलाषा, तक न समझ ही पाया तब सच्चे सुख की भी परिभाषा, अविकारी हो प्रभु हर जग में रहते जग से जाने, अखेल चुके कर चरणों में जग के माणिक मोती सारे, ओ हो तेरी वाणी शुभ नय के झरने भरते हैं, बावलियों को करता को प्राणी बंबारिक गिरते हैं, उम्र शाश्वत सुख दर्शक यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, विषयों में रच कुछ कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अद्वायर छिपके निष्कर तक पथ में विषकर तक होता हो, का सन्नाटा मन में बन जा
तुम्हारी चढ़ते हो नदी तट पर तल तल वर्षा की झड़ियों में हर ज्वाला हरती वाणी मानो चढ़ती हो फुल झड़ियां सादारी का कोई हो जग को देगी जग की नदिया कल्प निर्धन राम हो कल्प निर्धन राम सर्व दर्शाए ओम रीम सिदे शास्त्रुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। देखिए यहाँ पर जो अंतिम गुरु के स्वरूप का पंक्ति आई है इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दिगंबर मुनिराज के पास ऐसा क्या होता है जो वह दिन रात लुटाया करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सर्व परिग्रह उसका तो त्याग पहले ही कर दिया। और मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, ऐसे मिथ्यात्व नाम का परिग्रह तो सबसे पहले छूटा था। तो उनके पास है क्या ऐसा जो वह दिन रात लुटाया करते हैं, जो कि इधर आदरणीय युगल जी साहब ने बाबूजी ने अंतिम पंक्ति में वह बात डाली है। तो वह वस्तु क्या है जो दिन रात लुटाते हैं और लुटाने पर भी कम नहीं होती, उसमें कमी नहीं आती, ऐसी वह अक्षय भंडार उनके पास क्या है। दो शब्द प्रयोग किए हैं जिसका अर्थ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सम सम की अविनश्वर मणियां, दिगंबर मुनिराज निरंतर बांट रहे हैं और बांटने पर भी वह अक्षय वैभव बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, वह क्या है। हाँ, हमारे अतुल भाई ने, भरत भाई ने उत्तर लिख कर भेजा है, समता और शांति। यह समता और शांति का अक्षय कोश जो है वह प्रकट कहां से हुआ है दिगंबर मुनिराजों को, कि क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। जो अपने अंतर स्वरूप की गहराई में जाते हैं तो मानो कैवल्य ज्ञान की जो तलहटी है उस तलहटी में से वह अनंत सुख दर्शन ज्ञान वीर वैभव का आनंद भोग करते हैं। और जब भी निकल करके बाहर आते हैं तो निश्चित वही निकाल के देते हैं, जैसे कोई अच्छा गोताखोर हो और वह गहरे रत्नाकर में उतरे और अंदर डुबकी लगाए और एक रत्न निकाल के लाके बाहर दे। ऐसे हे प्रभु, हे विक्रागी दिगंबर मुनिराज, आप अंतर स्वरूप में जब भी डुबकी लगाते हो तो समता और शांति का अक्षय वैभव वहां मिलता है और वही आपके निमित्त से भव्य जीवों को प्राप्त होता है, जिनकी मुद्रा मात्र देखने मात्र से शांति आ जावे, ऐसी परम शांत दशा धारी। जय बोले दिगंबर मुनिराज की जय हो। इस तरह से यहाँ पर यह पूजन हमारी अभी पूर्ण हुई। आइए अंतिम दोहा पाठ करेंगे और उसके साथ में यहाँ पर विशेष अर्घ भी समर्पित हुआ। मोहे भावे ना भैया थारो देश रहूंगा मैं तो निज घर में, भैया थारो देश रहूंगा मैं तो निज घर में, भैया थारो देश रहूंगा मैं तो निज घर में, 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 भैया थारो देश रहूंगा मैं तो निज घर में। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता, मुझे लागे यहाँ पर देश रहूंगा मैं तो निज घर में, मुझे लागे यहाँ पर देश
रहूंगा मैं तो निज घर में, 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 मोहे भागे ना भैया मारोगे, रहूंगा मैं तो निज घर में। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन है, बहुत से नगरों में भी लॉकडाउन है, बॉम्बे वगैरह में, शहरों में, महाराष्ट्र में, बाहर पूर्णतः शांति है, कोई आवागमन नहीं है, कोई दिखता नहीं है। तो किसी किसी को ऐसा भी लगेगा यदि लॉकडाउन लंबा जब हो जाता है, बाहर कोई नहीं दिखता, तो कितनी कहना चाहिए उदासीनता आ जाती है, कोई दिख ही नहीं रहा, कोई दुख ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। विचार तो करो, दिगंबर मुनिराज इन गहन वनों में जाते हैं, उन जंगलों में, वन खंडादि में रहते हैं, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, और कोई नहीं दिखता है तो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उन्हें देखने का भाव ही नहीं है, और उन्हें जो दिखता है उसके लिए एकांतवासी होना ही जरूरी है। हमें सहज योग से यह कहना चाहिए, एक सहज व्यवस्था बन गई है कि भैया उसको देखो जिसको तुमने आज तक नहीं देखा, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यक्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज भी। आइए अंतिम दोहा पाठ यहाँ पर होता है। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे ज्ञान दीप तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। जय चौबीसी दंगर भगवंतों की जय हो। आइए हम सभी अर्घ समर्पित करेंगे चौबीस तीर्थंकर भगवंतों को। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो, तुम्हें को अर्घो भवतार, भव करि मोक्ष वरो, चौबीस तीर्थ संत निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए भव ताप करने लगा, कभी मन से उठी हो रही है, चपल पायो गोपी कर हो ईंधन स्वस्थ हुए, बल हुआ प्रभु ऐसा मधुर, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम श्री मंदिर जिनंदा है नरपत प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अनर्घ पद के सामने, जिस परम पद को पा लिया है, पतित पावन आपने, संतात्मा अति शांत हो, जीव के गुणों के कान में, ये वर्ण पावे महान जी, वर्धमान जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए समुच्चय महार्ग प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो चाव तो, आचार्य श्री वजाय पूजो साधु पूजो भाव सो, अरहंत पाशत जैन पूजो द्वार शंकर जीवनी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा, भाष
मेरी दया मैं पूजो सदा जज भावना से दशरथ नाथ जा बिना शिव नहीं कदा गिर गिर नार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी और तीरथ सर्वदा चौबीस दिन जग राज पूज तीर्थ क्षेत्र मेरे के सावन में एक सहस बसु होय पति शिव के अक्षत पुष्प चरो दीप धूप बल लाय हर गुंज जग गुंज मो सोने की भक्ति बढ़ाय सर गुंज जग गुंज मो अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो तदुषांगिन वाणिभ्यो उत्तम क्षमादि दस लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्यम अकृत्यम जिनचैत्यालयेभ्यो पंचमेरु असिद्धि जिनचैत्यालयेभ्यो नंदीश्वर दीपस्थ द्विपंचाशत जिनालयेभ्यो श्री समेत शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो विदेह क्षेत्र स्थित सीमंदर आदि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जल शास्त्र अष्टनामेभ्यश्च अनर्घपद प्राप्त महार्घम निर्वपामिति स्वाहा महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ जी, और ये हमारा क्रम पुनः जो लॉकडाउन 2 चालू हुआ है उसके अंतर्गत पुनः हमारा ये पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत अभी हम कल हमारे चतुर्दशी के पर्व चतुष्टय में कल पुनः एक नवीन क्षेत्र के दर्शन करते हुए और पूजन क्रम में जुड़ेंगे। आज यह जो हमने क्षेत्र दर्शन किया था हमारे पुराने साथी के रूप में जो स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में है ऐसे हमारे श्री अनिल जी मीना जी जो की दिल्ली के निवासी हैं उनके माध्यम से यह वीडियो हमें प्राप्त हुआ था। निश्चित ही उन्होंने यह वीडियो भेजकर और उस मंदिर के जो दर्शन लाभ हमें कराए उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार भाव रखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं शांति पाठ, तदुपरांत हमारा लगभग 35 मिनट का स्वाध्याय का जो समय है स्वाध्याय उसके बाद समय सार प्रश्न का प्रारंभ होगा। शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे तम सार के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे मानते लगने लगे
पे केवा जो तुम गुण भर तने कर कवि पावे नहीं आ जो तुम गुण भर तने कर कवि पावे नहीं आ इति पुष्पांजलिं शिवे। और इस तरह से भी हम सभी ने यहाँ पर शांति पाठ पूर्ण किया। आइए हम सभी तीन बाणों का मंत्र का स्मरण कर पाए सर। विसर्जन पाठ क्षमापन। बुन जाने वा जान के रही टूट जो को साधते परम गुरु जो सब पूरन हो। क्षमा करो राखो रे देव चरण की से चरण गाय के है तुम चुंबक क्या आवागमन रहित करो मैं तो सकल विभा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदा जो जैन करो मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम सर्वानं सर्व धर्मानां जैनम जयतुं शासनम जैनम जयतुं शासनम जैनम जयतुं शासनम। जवली 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जवली देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जवली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। और आइए हम सभी एक बार पुनः उन क्षेत्रों का दर्शन करेंगे तिजारा जी के जो ये मंदिर है चंद्रगिरी पर्वत का। और आप सभी ध्यान रखिएगा कि अब कल पुनः और परसों हम दो तीर्थ क्षेत्र नवीन क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। किसी सादर में बंधु की भावना अपने परिवार के साथ हो। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे जो रेगुलर स्वाध्याय ग्रुप से जुड़े हुए सदस्यगण हैं वो बहुत उत्साह के साथ वैसे ही कि ऐसा नहीं आज हमने फिर से पूजन का क्रम जोड़ा है तो ऐसे ही बैठ जाए। लोगों ने विधिवत जैसे जिनवाणी आदि विराजमान करके और भावपूर्वक यह पूजन के आयोजन में वह सम्मिलित होते हैं। इसी प्रसंग में मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ 25 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जयंती का पवित्र दिवस है। यद्यपि बाहर की व्यवस्थाएं तो कुछ अनुकूल प्रतीत नहीं होती है लेकिन हमारी आराधना में कहीं कोई बाधाएं नहीं है। उस 25 तारीख को स्वाध्याय प्रेमी परिवार की तरफ से विशेष पूजन आयोजित तो होगी। साथ ही साथ हमारे जो लंदन का मोक्ष मंडल है और लंदन के जितने भी हमारे ब्रिटेन में जितने भी साधर्मी जैन भाई रहते हैं उनकी तरफ से उनकी भावना है कि स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप के द्वारा लंदन के जैन मंदिरों में ही हम कल दर्शन करने उस दिन पहुंचेंगे और वो विशेष पूजन आदि का कार्यक्रम भी उनके साथ भी संपन्न होगा। उसका 25 अप्रैल का कार्यक्रम है और उस तरह का उत्साह के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। हम सभी अभी इस अनवरत क्रम में दश लक्षण पर्व की आराधना भी इसी बीच में हमारी प्रारंभ हो जाएगी। हम और आप सभी मंगल आराधना में लगे रहे निश्चित ही हमारी ये भावनाएं भव के नाश का कारण बने। इस पवित्र भावना से आइए हम पुनः इस मंगल क्षेत्र का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। अनंत चतुष्टय से सुशोभित जिनेन्द्र प्रभु के स्वरूप अवलोकन दर्शन करने वाले भव्यों को प्रभु भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। चलो भक्ति की जलधारा में स्नान कर कर्म मल का प्रक्षालन करें।
जय जय जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतरदृष्टि तुम सम होवे, अंतरदृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वह वर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, शद स्वच्छ दुति आप जिनेश्वर, राग द्वेश मय मल से हीन, विशद स्वच्छ दुति आप जिनेश्वर, राग द्वेश मय मल से हीन, निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन, निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, त्रिभुवन स्वामी प्रवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। प्रभाव से तज विभाव वे तेरे ही सम हो जाते, मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिन कर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। एक आपने प्रभुवर मार्ग मुक्ति का दिखलाया, औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया, अशरण लागा सारा जग अब, अशरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर, जय 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 जिनवर
हो जय 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 जिनवर का रोना गा कर मैंने काल अनंत गवाया निज वैभव पर दृष्टि न डाली नश्वर वैभव पर ललचाया मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर मार्ग दिखा दो ऐसा प्रभुवर पाए मुक्ति घर जय 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 जिनवर हो जय 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 जिनवर समहोवे दो मुझको बहवर जय 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 जिनवर हो जय 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 जिनवर से भी हम सभी ने पुराना तिजारा जो क्षेत्र है उसके मंदिर के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ चंद्रगिरी के नाम से जो नया क्षेत्र यहाँ पर विकसित हुआ वहाँ के भी दर्शन लाभ प्राप्त किए। आइए हम सभी समय सार कलश में 144 नंबर का कलश आज गुरुदेव श्री के भावार्थ पर प्रवचन का विषय यहाँ से प्रारंभ होता है। णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोये सर्वसाहूढम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे 144 नंबर का निर्जराधिकार का ये कलश बहुत ही सुंदर कलश। इस पर कल हमने कलश के प्रवचन का विषय पूर्ण किया था। एक बार कलश पाठ करते हैं। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यशमा सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ज्ञानी कि मन्यस्य परिग्रहेण। कल दिन में किसी साधर्मी बंधु का फोन आया मुझे, बोले कलश पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है परंतु पता नहीं क्षयोपशम कैसा है, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं बार बार। बस बोले इतना ही ध्यान रहता है, पहली लाइन भर याद रहती है, अचिंत शक्ति सर्वज्ञ थी, बस बाकी का वो आगे का याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। मैं उसकी बहुत चिंतन करता हूँ पर फिर भी याद नहीं आता, ऐसा उन्होंने। मैंने कहा यह आत्मा का वैभव ही ऐसा है कि चिंता करने से मिलने वाला भी नहीं। तुम तो उसको जितना आपको ख्याल में आया है वो मैं ही हूँ, ऐसा अनुभूति में लक्ष्य में लेने का प्रयास कर। क्या कहते बहुत जान लेने से आत्मा का निकटवर्ती हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आत्मा के निकटवर्ती होने वाले जीवों को बहुत जानने में सहज ही प्रकट होता है केवल। इसलिए विकल्पों से पार, ज्ञानी को विकल्प क्यों नहीं है, क्योंकि वह अपने को परिपूर्ण देख रहा है।
अब गुरुदेव श्री इसी विषय पर भावार्थ जो है, बड़ी संक्षिप्त भावार्थ है, उस भावार्थ का प्रवचन यहाँ प्रारंभ करते हैं। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं अनंत शक्तियों का धारक देव है तथा स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा, कौन सा ज्ञान मूर्ति आत्मा? मैं ज्ञान मूर्ति, अपन उसको यह ना बोल के कहेंगे मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं अनंत शक्तियों का धारक देव है। बात अभी कही जा रही है, अभी विचार की जा रही है, अभी निर्णय की जा रही है, तो कैसा निर्णय करेंगे अभी इस समय कि मैं ज्ञान मूर्ति धारक आत्मा अनंत शक्तियों का धारक देव हूं। कब हूं? अभी। इत्रकाल वाली बात भी अब छोड़ दे रहे, अभी हूं, बात अभी की जा रही है, तो अभी की बात अभी। क्या भूख लगी है, भोजन सामने है, समय हो चुका है, तो भोजन ग्रहण करो। शाम का क्या होगा कि कल क्या खाया था, ये विचार अब छोड़। तो अभी इस समय मैं कैसा हूं? अनंत गुण स्वरूपी। क्योंकि साहब कल बहुत परिणाम खराब रहे, बहुत कषाय आई, तुम वो छोड़ दो। और बात सुनते हैं तब अच्छी लगती है, बाद में फिर विस्मरण हो जाता है, फिर कषाय रूप परिणाम होते मुराद, वो विकल्प भी छोड़ दो। क्या करो अभी? यह आत्मा, मैं आत्मा, ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं अनंत शक्तियों का धारक देव है तथा स्वयं ही चैतन्य चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। चिंतामणि मतलब क्या? जो वांछित कार्य की सिद्धि करे सो चिंतामणि रत्न। वांछित कार्य क्या? देखना, भले जीव विकल्प रूप से अनेक बातें कर सकता है, परंतु जितने भी जीव हैं निगोदिया से लेकर के सिद्ध तक, सब जीवों की इच्छा एक ही है। क्या है? सुखी होना। अब उन्हें इच्छा इसलिए नहीं रही क्योंकि उनको चैतन्य चिंतामणि मिल गया, और जिनको नहीं मिला है उनकी इच्छाएं चल रही हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं जिसको मिल जावे अब उसको इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसे सिद्धों को नहीं है, अरहंतों को नहीं है, उनको क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें प्राप्त हो गया। जिन्हें प्राप्त हो गया, और प्राप्त भी कैसा हुआ? पर्याप्त प्राप्त हुआ, पूर्ण प्राप्त हुआ। अब जब पूर्ण प्राप्त हो गया तो फिर अन्य की इच्छा क्यों रहेगी? सर्व अर्थ की सिद्धि जिसके हो जावे, उसके अब लौकिक प्रयोजन, लौकिक अर्थ के विकल्प क्यों उत्पन्न हो गए? अर्थात नहीं हो। आत्मा ज्ञान स्वरूपी भगवान है, उसमें ना तो राग है और ना संसार, ना शरीर है ना कर्म। आत्म तत्व तो ज्ञान मूर्ति है और वही स्वयं अनंत शक्तियों का धारक देव। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूपी भगवान है। ये विशेषण गुरुदेव श्री ने ही समझ लो उद्घाटित किए। यद्यपि है तो जिनवाणी में इन्हीं विशेषणों से आत्मा का परिचय, लेकिन हमारे बोलचाल में, हमारे विचार चिंतन के धरातल पर लाकर यदि किसी ने रखा है तो वो गुरुदेव श्री ने ही रखा। नहीं तो आत्मा शब्द प्रयोग होता था, भगवान आत्मा शब्द आपको देखने पहले नहीं मिलता। क्यों? हाँ? कि आत्मा तो एक द्रव्य का सामान्य स्वरूप व्याख्यान हुआ। जीव नाम का एक द्रव्य है जिसे आत्मा कहा जाता है, लेकिन वह आत्मा कैसा है? अभी वर्तमान में भी कैसा है? भगवान आत्मा कैसा है? और किसका आत्मा? कि जिस जीव द्रव्य का सामान्य स्वरूप कहा गया है वह सभी आत्माएं क्या है? भगवान आत्मा। तो मैं कौन हूं? भगवान आत्मा। अरहंत सिद्ध, भगवान आत्मा। चार गति के जीव, सब भगवान आत्मा। तो साहब फिर अंतर क्या है? कि बस इतना सा अंतर है, वह परिपूर्ण स्वरूप में अनुभव करने वाले प्रत्यक्ष परमात्मा है और तुम भूले हुए भगवान आत्मा। कितना अंतर है? वो भूले हुए हो और प्राप्त। अभी एक बात समझना, भूला हुआ होने पर भी है क्या भगवान? आप स्नान करने को गए और आपने अपना पर्स, पैसों का पर्स कहीं रख दिया और ध्यान कहीं और था। बस अब आए और नए कपड़े पहने और बाजार चले गए। अब बाजार में जैसे ही कुछ खरीदा और पैसा निकालने की कोशिश की तो पर्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है जेब में। अब मन में क्या विचार आ रहा? वहां ये विचार चालू हुआ, कहीं किसी ने जेब में से निकाल तो नहीं लिया। वो बहुत पैसे रखे थे, एटीएम कार्ड भी उसी में था, और एटीएम कार्ड ही नहीं था, एटीएम कार्ड का कोड वर्ड भी वहीं लिखा हुआ रखा था बाजू में।
अब आप सोचो आकुलता का धारा कितनी भागे, आकुलता कितनी होने वाली है। मैं आपसे पूछता हूं, वह वस्तु खो गई है कि भूल गया? ऐसा बोल सकते भूल से खो गई है, पर खो ही नहीं है। भूल से खो गई है पर खो ही नहीं है। ध्यान से ओझल हुई है पर वस्तु तो जहां रखी है वहीं पर है। हुआ होगा आपके साथ, कभी अंगूठी है कभी घड़ी है, मेरे साथ तो होता ही रहता है। मेरी घड़ी पता नहीं कहाँ रखी रहती है, रात में उतारता हूं और सुबह फिर खोजता हूं कहाँ रखी कहाँ रखी कहाँ रखी है। किसी किसी का चश्मा खो जाता है और फिर खोजता है और चश्मा लगा के भी चश्मे को खोजता है। क्या कह रहा है? चश्मा लगा के चश्मे को खोजता है कि चश्मा कहाँ चला गया। यहाँ कह रहे हैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, उसमें ना तो राग है ना संसार है ना शरीर है कर्म है। आत्मा खोया कहाँ है कि तूने उसको यहाँ खो दिया, राग में खो दिया, संसार में खो दिया, शरीर में खो दिया या कर्म में खो दिया, जबकि वहां आत्मा है ही। क्या कह रहे हैं? कैसे खो दिया? अरे जब जीव को तू कर्म रूप देखेगा तो जीव का स्वरूप दिखेगा कि कर्म रूप दिखेगा? जब जीव को राग रूप देखेगा तो जीव वितराग स्वभावी दिखेगा कि राग स्वभावी दिखेगा? जब जीव को यानी पांच इंद्रियों में संसार में सुख को खोजने जाएगा तो सुख आत्मा में दिखेगा कि वहां दिखेगा? हाँ तो बोलो, आत्मा तो विद्यमान है और वही ज्ञानानंद स्वरूपी है, पर तूने उसे देखा नहीं इसलिए वो खो गया। और अगर देख ले तो फिर प्राप्त होने में कितना समय लगने वाला। समय सार की 38वीं गाथा में दृष्टांत दिया, जैसे कोई हाथ में रखे हुए मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो। कहाँ रखा हुआ? मुट्ठी में रखा हुआ। अपने को सोच के कैसा अटपटा लगता हुआ दृष्टांत कैसा दे रहे हैं आचार्य देव? मुट्ठी में रखा हुआ कोई भूल सकता है? मुट्ठी में, जेब में रखा हो तो भी अपन सोचते हैं मुट्ठी में, उसको अनुभव में नहीं आ रहा होगा, उसको ज्ञान में नहीं आ रहा होगा कि हाथ में कोई वस्तु है। हा? कि भाई साहब जब उपयोग वहां नहीं होता है तो वस्तु आंखों के सामने हो तो नहीं दिखती है। और इससे एक बात समझना, वह आत्मा अनुभूति स्वरूप आत्मा इंद्रियों का ग्राह्य नहीं है, हाथ में रखा होने पर भी नहीं दिख रहा क्योंकि ज्ञान जागृत नहीं। हम कहेंगे स्पर्श से तो जान रहे ना? नहीं, स्पर्श से जानना नहीं होता, ज्ञान जब तक नहीं जागे तब तक जानना होता ही। विचार तो यही आएगी बात नीले जी है, हाथ मुट्ठी पे रखा हुआ कैसे खो सकता है? मैं विचार कर रहा कि कैसे ये कैसा कहना चाह रहे, मुट्ठी में रखा हुआ क्यों खो गया? गोदी में बच्चा और भूल हमको मिले नहीं, ऐसा हो सकता है? कहावत तो ऐसे ही है, बगल में छोरा और गांव में डिंडोरा। क्यों? अब वो पोटली बांध ले और बाजू में लटका ले अपने बच्चे को, जिसको आजकल कहते हैं बेबी बैग, पहले को कपड़ा में बांध के और काम करे गांव की महिला, और बाद में अचानक याद आई कि लड़का कहाँ गया, कहीं ऐसा तो नहीं पानी भरने गई थी तो वहीं छोड़े आई। ऐसा हो सकता है क्या कि हाँ जहां तेरा उपयोग है वहां तू रहेगा, और जहां तेरे उपयोग से वह दृष्टि से वह ज्ञायक हटा तो तू उसको राग में देखेगा, संसार में देखेगा, शरीर में देखेगा, कर्म में देखेगा, और देखेगा और वो वहां मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो वहां पर है ही। आत्म तत्व तो ज्ञान मूर्ति है और वही स्वयं अनंत शक्तियों का धारक देव है। भाई ये अरहंत देव तो तेरे लिए परदेव हैं। यहाँ पे किस देव की चर्चा चल रही है? सर्वज्ञ देव, पर कौन सा? अचिंत शक्ति सर्वज्ञ देव, और कौन सा? चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात, जो तेरे अनुभव में आ रहा है ऐसा वह ज्ञायक आत्मा अरहंत देव परदेव है और ज्ञायक आत्मा स्वयं देव। ज्ञायक आत्मा कौन है? स्वयं देव। और वो कौन है? परदेव। अरहंत भगवान को पर कर दिया कि हाँ ये अरहंत भगवान ने ये कला सिखाई। देखो मैं आपसे बोलता हूं, अरहंत भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने गए
तो भगवान हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, प्रतिमा की तरफ से बात करना या सर्वज्ञ भगवान जो समूशरण में उनकी तरफ से बात करना, हमको देख रहे हैं कि नहीं देख, देख रहे हैं कि नहीं, नहीं, नेत्र तो बाहर की तरफ से बंद है, नासाग्र दृष्टि है, आधे नेत्र बंद है आधे खुले हैं, हमको नहीं देख रहे, उनको जगत में कुछ देखने का भाव नहीं है, तो जगत की तरफ से नेत्र बंद। यह आधे नेत्र बंद हमको क्या उपदेश दे रहे हैं? जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं देव हूं, मैं तुमको क्यों देखूं, ऐसे तुम भी स्वयं देव हो, तुम्हारे अपेक्षा तुम यदि मुझे एक देव भी मानते हो तो मैं पर हूं, स्वा नहीं। क्या कह रहे हैं? और देखना है स्वयं देव, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं। क्या कह रहे हैं? नासाग्र दृष्टि होती ना, तो ये दृष्टि नाक के अग्रभाग पर होती है। बोलो उस समय क्या दिखता है? काय उत्सर्ग आदि के काल में नासाग्र दृष्टि और ज्यादा उपयोग चंचल हो तो फिर कहते पूरी आंख बंद करके ही करो, क्योंकि उपयोग बड़ा चंचल है, दिखेगा तो वहां उपयोग भागेगा। भाई अरहंत देव तो तेरे लिए परदेव है, कोई तेरे निज देव नहीं है, तेरा देव तो अनंत शक्तियों का धारक ज्ञान मूर्ति तू स्वयं है। कौन है? तू स्वयं। यह कौन बता रहा है? कि वह देव बता रहे हैं, वितरागी देव, जिन्होंने अपने में अपना स्वयं देव देखा, जिन्होंने उसे प्राप्त किया, जिन्होंने पर्याय में उसकी प्राप्ति और प्रगटता कर ली, ऐसे भगवंत तुझे देव के। रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी आई ना लाइन है, सौ सौ इंद्रों की हाजिरी में, गुरुदेव श्री ने उसके व्याख्यान में बोला, सौ सौ इंद्रों की हाजिरी में और जिनेन्द्र देव तुझे देव कहते हैं, देव कह के संबोधित करते हैं। कौन सा देव कहते हैं? परम देव। कौन सा देव? परम देव। तो थोड़ा सा तो इस बात का अभिमान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भगवान ने मुझे भगवान कहा, अभिमान आना चाहिए कि बहुमान आना चाहिए? कि बहुमान आएगा वितरागी भगवंतों का कि आपने मुझे मेरा परिचय कराया, और अपने प्रति आएगा स्वाभिमान। सुनना, स्वाभिमान में अभिमान नहीं होता, अभिमान वहां होता है जहां पर्याय की तन्मयता होती, जहां हीनता में प्रभुता देखी जाए वहां अभिमान है, जहां जैसा स्वरूप है उसे वैसा स्वीकार करना, ये स्वाभिमान। क्या मैं आपको एक लौकिक दृष्टांत से आपको बात कहता हूं, जो कार्य जिस पद के योग्य होगा वो उस पद अनुसार होगा तो शोभा देगा। एक सहजता अलग बात होती है और साथ में पद योग्य मर्यादाओं का ज्ञान होना ये अलग बात होती है। जैसे आपने देखा होगा जब दिल्ली में आपकी सरकार बनी थी तो उन्होंने प्रारंभिक समय में बोला कि हम सरकारी व्यवस्थाओं का उपयोग नहीं करें, हम गवर्नमेंट की जो सुरक्षा है गाड़ियां हम उसमें नहीं चलेंगे, हम तो मारुति 800 में ही जाएंगे अपनी। बाद में क्या हुआ कि तुम 800 में चलना चालू हुए तो तुम्हारे को रोड में कोई भी पकड़ करके कुछ भी कर रहा व्यवहार तुम्हारे साथ, तो अंततः आना कहाँ पड़ा तुमको कि उस पद के योग्य जो व्यवस्था है उस पर आना पड़े। ऐसे वितरागी भगवंत कह रहे हैं कि तू परम देव है, ऐसा जब तक तू श्रद्धा में स्वीकार नहीं करेगा तब तक तुझे अपना अनंत वैभव दिखने वाला है। जब तक पर्याय दृष्टि पड़ी रहेगी तब तक स्वभाव लक्ष्य में आता ही नहीं। तथा सर्व कार्य की सिद्धि कर सके ऐसा अचिंत शक्ति युक्त चैतन्य चिंतामणि तू स्वयं है। सब अपने ऊपर ही डाल दिया। क्या कह रहे हैं? भगवान के पास गए थे यह सोचकर कि हे भगवान तुम हमें सहारा हो, तुम हमें शरण दोगे, तुम हमें पार करोगे, हमारे कष्ट निवारण करोगे। भगवान ने लेकर के सब हमारे ऊपर ही डाल दिया जिम्मेदारी। क्या कह रहे? तुम ही परम देव हो, तुम ही चैतन्य चिंतामणि हो, तुम ही अपने कर्ता हो। रात्रि वाली कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की चर्चा करें है, संसार का कारण भी तू ही है और मोक्ष का कारण भी तू ही है, सब तू ही है। तमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव तुम सब तुम। तो बोले हे भगवान फिर आप क्या हो? कि मैं मेरे लिए सब हूं, तू तेरे लिए सब है, तो मैं मेरा देखता हूं तू तेरा देख। हो गया बंटवारा। किसके साथ में? भगवान के साथ में ही बंटवारा कर दी कि हाँ दृष्टि का कमाल ही ऐसा है
कि परम देव लक्ष्य में आने पर जिन देव को भी परदेव कहा, क्या कह रहे हैं। इसलिए तो जब उपयोग उग्रता से स्वभाव की अंदर निमग्नता को प्राप्त होता है तब यह विकल्प भी नहीं होते। अनुभव की दशा में बात आई, जे जे वस्तु साधक कई तेई तहां बाधक कई, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात। जो वस्तु साधक कई, कमजोरी की भूमिका में जो देवशास्त्र गुरु शरणभूत थे, वही आराधना और स्वरूप निमग्नता के काल में अनुभव की दशा में बाधक कहे। पर इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कमजोरी में उनका साथ छोड़ दे। क्या कह रहे हैं, तीन पहिए की साइकिल बच्चे को चलना सिखाने के लिए है, और जब तक पैर ना सदे तब तक सहारा लेके चलना ही, और अच्छा चलने बनने लगे तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बचपन में तीन पहिए की साइकिल मिली और उसको बहुत प्रिय हो, क्योंकि उसी ने उसका पहला कदम चलना सिखाया। अब मान लो वो एक इच्छा जाहिर करे, क्या, कि जब मेरी शादी होगी तो मैं जो तीन पहिए की साइकिल लेके जाऊंगा, काय में शादी करने के। तो बोलो कोई उससे शादी करने तैयार होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी जिसका बचपना नहीं गया है, बड़प्पन नहीं आया है, ये क्या घर चलाएगा, ये क्या अपना निर्वाह करेगा, क्या परिवार निर्वाह करेगा। अब तो बड़े बन जाओ, कब बड़े बन जाओ, जब वीतरागी भगवंत कहते हैं कि तू ही स्वयं देव है, परम देव है, चैतन्य चिंतामणि है, अचिंत शक्ति संपन्न तू स्वयं है। तू स्वयं अपने में, तू स्वयं अपने से अपना संपूर्ण कार्य करने की शक्ति का धारक देव। देखो आप ये समझ लेना, यह जो सिद्धांत है गजब का सिद्धांत है। जगत में जो लोग रिजर्वेशन की सोच वाले हैं, जो कंपनसेशन की सोच वाले हैं, जो लोग सोचते हैं कि कोई करुणा कर दे, दया कर दे, वह कभी भी अपने बल पर खड़े नहीं हो सकते हैं, प्रभुत्व नहीं पा सकते हैं, योग्य पद को प्राप्त नहीं कर सकते, और कदाचित उन्हें पद दे दिया जाए तो पद विरुद्ध कार्य ही करेंगे क्योंकि उनमें योग्यता नहीं। क्या कह रहे हैं, हाँ, भारत को क्या बनना पड़ेगा देश की हिसाब से, कि स्वावलंबी बने। क्या कह रहे हैं, स्वावलंबी बने, और मोक्ष मार्ग में मोक्षार्थी को भी क्या होना होगा, स्वावलंबी। हमारे युगल जी साहब, अपने धवल जी, तो धवल जी के प्रवचन जब पहले होते थे तो एक बात वो कहते थे, यह श्रमणों का मार्ग है, मक्कारों का नहीं। किसका, श्रमणों का। श्रमण मतलब होते हैं दिगंबर मुनिराज, श्रमण शब्द श्रम से बना हुआ है, जो परिश्रम करें, श्रम करें, जो अपनी मेहनत की खाएं, जो मांग के नहीं खाएं, जो दूसरे का दिया हुआ नहीं खाएं, क्योंकि यह तो दरिद्रता का लक्षण है। यहाँ कह रहे तू चैतन्य चिंतामणि है तो परिश्रम कर, किसको परिश्रम कर, पुरुषार्थ कर, अपने को ऐसा अनुभव करने का पुरुषार्थ। तू स्वयं अपने से अपने संपूर्ण कार्य करने की शक्ति का धारक है, अतः अब तुझे पर से राग के विकल्पों से क्या प्रयोजन। हाँ, जिसने अपने इस परम देव स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं पहचाना, वह रागादि विकल्पों में अटकता है और संसार में भटकता है। संसार में भटकने का कारण क्या, अटका सो भटका, चल पड़ा और लक्ष्य की तरफ जा रहा है तो लक्ष्य को पा ले। देखो समोशरण में जाते हैं और समोशरण में जाके यदि राग के विकल्प से जरा भी कहीं अटके तो भटकन कितनी है फिर, कि भले समोशरण में पहुंच गए थे फिर भी चार गति का पूरा चक्र झोंकाते हुए चलना, क्योंकि हम और आपके साथ ये बीती कहानी, आप बीती कहानी, कि समोशरण में गए और समोशरण में जाकर के जो देखना था उस पर तो लक्ष्य नहीं रह पाया, और जिसको देख रहे थे वह नश्वर था, क्षण भंगुर था, उसके राग में तन्मय हुए तो वही सांसारिक दशा बढ़ती चली गई। इसको देखा, हाँ, चैतन्य वन को देखना था कि नंदन वन को देखना, क्यों साहब, कि साहब वो तो था ना वहां, ये वस्तु काय के लिए होती, देखने के लिए तो होती, भोजन काय के लिए होता है, सेवन करने के लिए होता है, हाँ? तो ज्ञायक काय के लिए लगाओ नियम, नंदनवन देखने के लिए, भोजन सेवन के, तो ज्ञायक काय के लिए है, कि ज्ञायक अनुभवने के लिए,
तो तू यहां आकर के तो गड़बड़ी करता, बाकी सब जगह सारे नियम लगाने को तैयार। तो यहां आचार्य देव कह रहे तू स्वयं कर, तू अनुभव कर। तो क्यों अनुभव करेगा तो क्या होगा, ये एक प्रश्न बहुत होगा। कई बार कोई विद्यार्थी ऐसा है एडमिशन ले ले और प्रश्न बहुत करे और जो निर्देश दे उसका पालन नहीं करे तो वह दंड होगा पक्के में, उसे सजित सजा मिलने वाली है। उसको कहेंगे भग जाओ बाहर निकल के। तुमको बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो पढ़ाई नहीं करते, बेमतलब के प्रश्न पूछते। बड़े पंडित साहब के प्रवचन में स्वाध्याय में एक बात आई है, प्रश्न पूछने का अधिकारी वो है जो स्वाध्याय करता है। क्या कह रहे हैं, प्रश्न पूछने का अधिकारी, क्योंकि स्वाध्याय करेगा ना तो समाधान तो वैसे ही उसके स्वयं में भी होने वाले, फिर भी कदाचित ना हो गए तो फिर वह अधिकारी पूछने मात्र क्षयोपशम की कसरत करता है, दूसरे को देख के पूछता है, दूसरे को इंगित करते हुए पूछता है। इनकी मैं पूछूंगा तो इनको ये बात समझ में, आप एक बात समझना, मैं आपसे एक बात कहता हूं। आपको जिसको भी समझाने का भाव हो तो कभी भी उसको भरी सभा में या उसको बैठाल के उससे संबंधित प्रश्न मत पूछे। सहज हो जाए तो हो जाए, पर उससे संबंधित, जैसे अपने पति को मार्ग पे लाना तो कभी भी उसको, उनको साथ में बैठा ले, कभी आओ पूजा में बैठ जाओ आज अष्टमी है ऐसा कह के बैठाल तो लिए, लेकिन कभी प्रश्न का दौर चले तो उनसे ये मत पूछना या किसी विद्वान से उनके सामने मत पूछना। क्या नहीं पूछना, कि कोई जीव को धर्म की रुचि नहीं है तो वो हमारा धर्म पति कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ऐसा मत पूछना गलती से। क्या कह रहे हैं, हाँ उसको समझ नहीं आने वाली, वो आपको जरूर समझा देगा। बहुत चतुर बन रहे हो, वास्तव में पूरी चतुराई और ज्ञान अपने ऊपर ही लगाना है, दूसरे को समझाने और सुधारने के लिए लगाना ही नहीं। एक विचार करो, आपको किसने समझाया, किसने समझाया, किसने कान मरोड़े थे आपके जो आप यहां बैठे हो, आके बताओ कि नहीं जब तक जीव की स्वयं की होनहार काल लब्धि भवितव्य पुरुषार्थ इस दिशा में काम नहीं करेगा तब तक होने वाला। कल बोले था कषाय मंद होगी स्वयं आ जाएगा, और उसकी कषाय मंद होने के लिए ये जरूर है जो आत्मार्थी है जो इस तत्व का अनुभव कर रहे हैं उनका जीवन जरूर उसको प्रेरित कर सकता है। देखो ऐसा है, गर्मी के दिन में लोग गर्मी से तृप्त हैं और कोई व्यक्ति स्नान करके तुरंत निकला तो उसके चेहरे पे प्रसन्नता और ताजगी दिख रही है, तो वो देख करके दूसरे को क्या समझ में आएगा, चलो अपन भी ठंडे पानी से नहा के आते, ऐसे आएगा ना है? इनको ताजगी दिख रही है, ये उपदेश वही लागू कर सकता है वही दे सकता है जो उसका अनुभव कर। लेकिन ये मार्ग अलौकिक है, यहाँ वचनों से उपदेश नहीं देते, ये जितना कथन भी हो रहा है ना आचार्य देव कह रहे हैं ये कथन से काम नहीं होने वाला, तू इसका अनुभव कर, तू चैतन्य चिंतामणि है इसका अनुभव कर। मालूम अनुभव में आएगा, प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होने वाला है कि फिर वो अनुभव कैसा होता। क्या कह रहे हैं, प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। बोलो मैं आपसे कहता हूं, लोग मिलकर के आंदोलन करें सरकार से, 15 लाख अभी तक खाते में नहीं आए, 15 लाख अभी तक खाते में नहीं आए, सबरे मिलके इकट्ठे हो जाए, ठीक है? और मैं आपको सच बताता हूं, जिसके खाते में अगर आ जाएंगे वो धीरे से आंदोलन से निकल जाएगा कि नहीं, कि सबको बताएगा, तुम लोग लगे रहे ना मेरे तो मिल गए हैं, ऐसा बताएगा क्या? क्यों साहब, प्रदीप जी आपके खाते में आएंगे तो मुझे सूचित करेंगे क्या, नहीं करने वाले हैं? गलती से, देखो जो न्याय नीति वाला होगा उसकी अलग बात है, उदाहरण कह रहे हैं, गलती से एक बार क्या हुआ, मेरा एटीएम कार्ड का जो नंबर है वो पता नहीं कैसे किसी दूसरे के एटीएम कार्ड से मैच हो गया। मैं बाहर पढ़ता था जब बेंगलोर में, तो पिताजी को लगे कि पैसा मैं विड्रॉल करता हूँ कहाँ, बेंगलोर में, और पैसा उसमें से विड्रॉल हो रहा, 25-30 हजार रुपये विड्रॉल हो गए 2-3 महीने के। अब बाद में जब मैं नगर आया अपने गांव तो वो बोले कि एंट्री करा ली पासबुक में जाकर। मैंने कहा मैंने कुछ निकाला ही नहीं था, मुझे लगे ही नहीं जो मेरे पास थे उतने ही में मेरा खर्च हो गया, तो लगे ही नहीं। अच्छा फिर भी करा तो आओ, तो मैंने कहा अब ठीक है करा लेंगे। मैंने 2-3-4 दिन टाला, वो नहीं माने, फिर जाके करा के आए, करा के देखा तो उसमें 25-27 हजार रुपये कम। अब आके बताया
पता किया, बैंक गए, बातचीत की कि साहब ये तो हमने विड्रॉल नहीं किया, पैसा गया कहाँ। तो पता चला कि किसी व्यक्ति को नया एटीएम इशू हुआ होगा और उसका और मेरा पिन कोड मैच हो गया, किसके, उसके पुण्योदय से और मेरे पाप के उदय से। अब जब उसको खबर की गई, बैंक ने उसको बुलाया कि भाई आप पैसा विड्रॉल कर रहे हो तो आपके खाते में पैसा है क्या, पैसा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो मालूम क्या बोला, देखो मैंने तो आपको पहले ही आके सूचित किया था कि मेरे खाते से पैसा डिडक्ट नहीं हो रहा और मुझे ऊपर वाला दे रहा है, आपको ध्यान देना है तो दीजिए, नहीं तो मुझे तो ऊपर वाला दे रहा है, ऐसा उसने। अब मैं कह रहा हूं ऊपर वाले ने उसको दिया, वो किसको बताएगा, उसको तो मजा आ गया, ऐसा स्रोत मिल गया कि बस लगाया कार्ड, निकाला पैसा, लगाया कार्ड, लेकिन अपराध था वो, क्या कह रहे हैं, अपराध था। जो तेरा नहीं है उसे तू मानता है अपना, ये अपराध है, और जो तेरा है उसे अपना नहीं मान रहा है, यह भी बहुत बड़ा अपराध। आचार्य देव कह रहे हैं ये निर्णय कर कि तू स्वयं भगवान है, तू ये रागादि विकल्पों से अपने को परे देख, चैतन्य चिंतामणि ज्ञान रत्न तू स्वयं है, ऐसा जो जीव अनुभव करता है वह रागादि विकल्पों में अटकता नहीं है और संसार में भटकता। इस तरह यहाँ पर अभी विशेष चर्चा और आगे की ओर बढ़ने वाली है, आप और हम सभी निश्चित अटके भी नहीं, भटके भी नहीं, और अटकेंगे भटकेंगे तो लटकना भी पड़ेगा, तो लटके भी नहीं। अब तो समय काय का आ गया है, जो कहा गया है उसका निर्णय करके बढ़ना, क्या है, बनिए बन जाओ, तो बनिए मतलब बनो, बिगड़ो मत, बर्बाद मत हो, आबाद हो, और आबाद मतलब हो ही, बस एक बार अनुभव में आ जावे तो अपना कार्य हुए बिना रहेगा। और देखना मैं आपसे बात कहता हूं, ये चर्चा होते होते किसी को अनुभव हो जावे और चर्चा से विलुप्त भी हो जावे तो कोई आश्चर्य की बात है, काम हो गया कि नहीं हो गया महत्वपूर्ण है। मैं तो यही मानता हूँ, जो लोग बहुत सारी संख्या में जुड़ते हैं ना और फिर बाद में अचानक गायब भी हो जाते, नहीं दिखते हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो बिगड़ गए, उनकी रुचि हट गई, हम ऐसी भी भावना भा सकते हैं ना उनके प्रति, हो सकता है इनको मोक्ष हो गया होगा, बोले साहब ऐसा करने से क्या, अरे दूसरे को मोक्ष पहुंचा रहे हो, चार गति का परिणाम तो नहीं कर रहे ना, अच्छा भाव है, अच्छे भाव का फल अपने को क्या मिलने वाला है, अच्छा। फिर कभी वो दिख गए, अरे हमने तो सोचा था, हम सोच रहे थे कि आप तो सच्चे सुख को प्राप्त कर गए होगे, मोक्ष को, आप तो अभी संसार में ही हो। खुद ही उत्तर देगा, क्या करें साहब, अटकाव बहुत है, भटकाव बहुत है। आचार्य देव कहते हैं कि तू अटक भी मत और भटक भी मत, बस इसी में रच, इसी में रम, और इसी को प्राप्त कर जिससे तुझे परम सौख्य की प्राप्ति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। तीन बार मुकार मंत्र स्मरण करते हुए कायक सर। चलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय। संध्या काल में 8:30 बजे हम सभी पुनः कार्तिकेय उपेक्षा के स्वाध्याय से जुड़ेंगे। आप और हम सभी सुंदर आराधना पथ पर आगे बढ़कर अल्पकाल में संसार दुखों से मुक्त हो, इस मंगल भावना से विराम सभी को जय दें।